कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल चलाएगी। आज डलहौजी स्थित अपने निवास स्थान पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हार को नहीं बचा पा रही है और लोगों में ये भ्रम डाल रही है कि कांग्रेस अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जल्द ही अदानी ग्रुप द्वारा बंद किए गए 2 सीमेंट उद्योगों को सरकार शुरू करवाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हिमाचल में सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी और है, और मिल करके अडानी ग्रुप को ये जो दोनों सीमेंट प्लांट है ये बेचे गए। अब अडानी जो है आप देख लीजिएगा, स्थानीय लोगों के रोजगार बंद करके अपने जो लोग हैं वो गुजरात से लाएंगे चाहे कहीं से लाएंगे, और अपनी जो उनकी कंपनी के चाहे वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है चाहे अन्य चीज़ें हैं, अपनी कंपनी के लोगों को वो यहाँ घुसाने का तरीका है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुखू जी और मुकेश जी दोनों मिलकर के कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिससे कि सीमेंट की कीमतें भी नीचे आएं और ये अडानी ग्रुप जो है लोगों के साथ खिलवाड़ ना करे, जिनकी ज़मीनें इसमें गई हैं, हिमाचल के लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है, हिमाचल के लोग इसमें लगे हुए हैं, हिमाचल के लोगों के साथ खिलवाड़ ना करे अडानी ग्रुप। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की जो हमारी सरकार है वो कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।